तो गाइज 2 दिन हो गए हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे, तो वीडियो का कारण गाइज हमारे घर की साफ सफाई चालू है। देख सकते हो आज भी थोड़ा सा है, पर मैं सुबह सुबह ही कबूतर छोड़ लेता हूँ, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा और फिर इधर घर का पूरा पसारा अंदर इधर आ जाएगा तो हमको कबूतर छोड़ने को जगह ही नहीं मिलेंगी। इसकी वजह से सुबह सुबह हम कबूतर छोड़ देते हैं, इसकी वजह से वीडियो हमारे लेट हुए। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में आ चुके अपने लॉफ्ट के पास। तो गाइस बहुत ज़्यादा खुशखबरी आया अपने आज के वीडियो में, वो भी बताएंगे। और एक दिन लेट हो गए, हमारा वीडियो नहीं आया, उसके लिए माफ़ी। और आप, मुझे पता चल गया कि आप डेली वीडियो देखते हैं, बहुत जनों के मैसेज आए आप वीडियो नहीं डाले। तो आपके लिए मैं अभी सुबह वीडियो, आज भी वीडियो नहीं आने वाला था, पर मुझे लगा आज हम वीडियो डालना ही है, इसकी वजह से हम आ गए सुबह सुबह। नहीं तो फिर क्या होता है, ये पूरा जो अंदर के ये रहते हैं ना बर्तन, पूरे इधर आते हैं, फिर कबूतर छोड़ने का टाइम नहीं मिलता, फिर मैं रात के समय छोड़ देता हूँ, तो रात के समय मैं वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मैं थका हुआ रहता हूँ इसकी वजह से। तो आज हम कबूतर छोड़ेंगे और खुशखबरियाँ भी बताएंगे क्या क्या है। तो आप चैनल पर जो भी नहीं आते, चैनल करो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करो। तो चलो कैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेटी वाले कबूतर छोड़ते हैं। पेटी वाले कबूतर में आपको मैं बता देता हूँ किस किस जोड़े के अंडे हुए हैं। ये भी जोड़ के अंडे हो गए, आप देख लो, ये देखो इसने भी अंडे दे दिए, आपको भी दिख नहीं रहे, ये देखो। और बाकी तो सब है। और नीचे वाला एक बैड न्यूज है कि इसका एक अंडा गंदा हो गया था, गंदा होने के कारण हम अब ये क्या पता इसमें बच्चा है या ये भी गंदा है। तो ट्राई तो कर रहे हैं निकलने को, अब देखेंगे क्या होता है। तो कबूतर आ गए तो बाहर, इधर के भी कबूतर छोड़ देते हैं क्योंकि अपने को फटाफट दाना पानी कर लेना है और इनको अंदर डाल देना है। अभी इनको पानी, पानी का ही प्रॉब्लम है, पानी रखने का है, पानी को भी रखना पड़ेगा। पानी किस में रखे, इनका बर्तन तो फूट गया, कल हमने दूसरे इसमें रखा था, आज कौन सा ले समझ नहीं आ रहा। देखो पूरी दिवाली की वजह से पूरी साफ सफाई चालू है घर की, अब देखो फ्रिज गीज पूरा साफ सफाई चालू है। अंदर से बर्तन लाना पड़ा और हमको जल्दी ही पानी के लिए इनको बर्तन लाना पड़ेगा अच्छा सा, उसके बाद ही हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि इनका बर्तन फूट गया है ना इसकी वजह से। सभी कबूतर टकली मादी, अरे अरे पानी में लैंडिंग कर रही है, मोटा कबूतर भी ऊपर जा रहा था। लैंडिंग देखो इनकी लैंडिंग, अभी मैं इनको दाना डाल देता हूँ, दाना भी लाया है ना इसकी वजह से, क्योंकि फटाफट अपने को दाना पानी करना है, जल्दी से हम इनको दाना पूरा का पूरा डाल देते, दाना खा लेते। ये जोड़ा अभी भी आने का है, ये अंडे अंडे हो गए इनके, वो ही उसमें उनमें खुशी है। इसका क्या प्रॉब्लम है, निकला क्या बच्चा, नहीं निकला, अंडे ही चाहिए। अभी इनके लिए रोटी भी लाई है, तो अभी रोटी का चूरा करते हैं फिर इनको डालते हैं। अभी वो गेहूँ खा रहे हैं फिर रोटी खिलाएंगे। रोटी का चूरा तो कर दिया है, अब डालेंगे रोटी इनको, ये देख सकते हो इनका अभी दाना हो गया खा के, अभी रोटी खिलाएंगे। रोटी देख के लैला मजनू भी आ गए थे, देख सकते हो अभी इनको रोटी डाल दिए, बाकी ये मेरे पास खा रहे हैं। एलमंड उधर है, लैला मजनू से डर गया था। और आज आपको लैला मजनू के अंडे भी दिखाएंगे, कौन से मुर्गी पर बैठा है तो वो भी दिखाना है। इन महाशय की देखो फाइट चालू हो चुकी है, ये धब्बेल का खन है भी नहीं, पहले धब्बेल को रखा था पर इसने उस मादी के साथ वैसा कर दिया, उसको टकली कर दिया, अब देखो खन में खुद के खुद चला गया, ये देखो कैसे गटर रहा है। ये तो है, ये मादी अंडे पर बैठ रही है, ये मुर्गी का बच्चा निकालता है या नहीं पता नहीं, ये बच्चे अपने निकालते हैं नहीं, ये देखो अंडे बराबर रखा करो यार। तो गैस ये खैरा कहाँ पर, इधर है इसका खन, ये अंडा, तो गाइस ये अंडा भी गंदा है 100% गारंटी से, मुझे नहीं लगता इसमें बच्चा बना है घर के, तो हम इसको फोड़ देते हैं, गंदा हो चुका है पूरा जोड़ा है ने अंडे गंदे कर डाले। मेरे को लगा वो बच्चे निकालेंगे हम हैंड फीडिंग पे लेंगे, पर नहीं, ये देखो है पूरा पानी निकल गया है, ये निकला पानी, इसकी वजह से ये गंदा है।
पूरा बच्चा गंदा हो चुका है अंडा। बहुत बास भी खराब मार रहे, देखो ये रहा, इसको फेंक दी थी, पूरा गंदा हो चुका था। जोड़े ने अंडा पूरा गंदा कर डाला, दोनों ने फिर दोनों अंडे गंदे कर डाले, ना उसमें बच्चे निकले ना कोई। और इधर एक चूहा मर चुका है, ये रहा रैबिट के पास, कैसे मरा पता नहीं पर मर गए हैं, अब उसको भी निकालना पड़ेगा। उन दोनों की तो फाइट, दोनों ही सिंगल है, दोनों की फाइट चालू ही रहती है। ये नर आ चुका है जगह पे, बीमार गिर गया था और हमने उसको रिकवर कर दिया। वो बच्चा कहाँ पर है? ये बच्चों को आज से हम सुखा ही देंगे, वो देखो, वो बच्चों को हम सुखा ही देंगे। मादी निकली तो जागचीनी के लिए परफेक्ट है वो, और सुखा ही हम देंगे इसमें, ऊपर लगाएंगे जो वो नर बैठा है ना उधर। और आज से दिवाली होने के बाद हम उसको फिर उड़ाना स्टार्ट करेंगे। आज हम धूम खींच लेंगे उसकी, क्योंकि उसको उड़ाना है, उड़ा के रखना है अपने घर, तो धूम खींच के नई धूम आएंगी बराबर, तो हम उसको उड़ाएंगे। अभी तो फिलहाल में तो है बराबर कि धूम खींच लिए देख सकते हो। और अब हम देंगे कबूतर अंदर होने के बाद सुखाई दिन भर, ऐसे ही हम 15 दिन इसको सुखाई देंगे आज से। आज से 15 दिन के बाद फिर उसको उड़ाएंगे एक बार, उड़ा के रखाएंगे, जमा के रखाएंगे घर पर। फिर धूप काल आएगा, जब धूप काल आएगा तब सीज़न में उसको उड़ाएंगे, क्योंकि अभी तो सिकरे का सीज़न है, इसकी वजह से डर बना रहता है, इसकी वजह से हम कबूतर उड़ाते भी नहीं। तभी भी जागचीना देखो तार पर जा चुका है, जागचीनी के लिए मादी निकली तो परफेक्ट है, तो अभी तो छोटी है बना उसका, नहीं तो वो उस मादी के जैसे हाल हो जाएंगे, उसको टकली कर डालेंगे। पर अमी को अभी तक पता नहीं, पर उसकी गर्दन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मादी निकलेंगी करके। और मादी निकलने को ना अपने को मादी ही चाहिए। जागचीना डेढ़ साल हो गया, डेढ़ नहीं एक साल तो हो गया होगा उसको सिंगल रहते हुए, अब उसको मादी लगाना ही है। और धब्बेल तो उससे भी पुराना है, उसके लिए तो मादी है मना, ये वाइट वाली। अभी देख सकते हो ये मस्ती भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो आज से हम इसका भी प्रोग्रेस चालू कर देंगे जोड़ा लगाने की। उस खन में आज इनको डाल देते हैं और देखते हैं जोड़ा लगता है या नहीं, तो मुझे तो लगेगा लग जाएगा करके, अब देखेंगे। अभी तो बड़ी हो चुकी है वो मादी, अभी आ चुका है नीचे। और आपको क्या लगता है, रामया मुर्गी का बच्चा निकाल पाएगा? मेरे को तो लगता है वो निकालेगा करके, उस पर भरोसा है। अब देखते हैं भरोसा तोड़ता है या नहीं। इस जोड़े ने तो भरोसा तोड़ दिया, ये कोई लायकी का निकला नहीं जोड़ा, अपने वाले लायकी का तो निकला ही नहीं, इसने तो पूरा अपना मन खराब कर डाला। अब इसको, अरे एक अंडा कहाँ गया, एक अंडा कहाँ गया इसका, इसका एक अंडा भी, हाँ इधर के साइड है। इसको रखते हैं ऐसा, फिर ये बैठेंगी नीचे इधर, बराबर बैठेंगी। क्या इससे बैठता नहीं आता है क्या, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, रख देते देखते ट्राई मारेंगे। अब पिंजरा बांधेगी इस लकड़ी पे और ऊपर लटका के बच्चे को सुखाई पे रख देंगे 15 दिन, अब यही काम होगा अपने को। अब मैं ये बराबर बांधता हूँ, इस देख सकते हो सुखाई का जुगाड़ हमने कर लिया है। अभी ऊपर जाना है और इधर लगाना है ऊपर, पट्टी को लेते साथ में, पट्टा है अंदर, इसको लेते हैं साथ और डालते हैं अंदर इसके वाले। और आज से इसको सुखाई 15 दिन की, उसके साथ रहेंगे मना कबूतर साथ में, ये देखो ऐसा रहेगा अभी ऊपर। अभी बैठने का है बराबर, उसको एडजस्टमेंट होने का है, होगा। पट्टे के तो ऊपर रख दिया है, नीचे कबूतर इनके साथ रहेंगे अपना जागचीना और धब्बे। बच्चा आज पहली बारी आया है तो देख सकते हो कैसे कर रहा है, इधर से पूरा गांव दिखेगा उसको और अपना घर भी, इसकी वजह से और जल्दी रम जाएंगे। तीन ऐसी सुखाई इसकी रहने वाली है। मोटा कबूतर देखो कैसे ऊपर देख रहा है। इधर है मुर्गी के बच्चे हमारे, रोज रोज एक एक मुर्गी के बच्चे कम हो रहे हैं। अब देखो 10 क्या कुछ बच्चे थे, अब बहुत कम रह चुके हैं। इसने क्या पकड़ा है, तो कुछ तो खा रहा है वो देखो, और दूसरों पे दे भी नहीं रहा। और ये हमारे वाइटी ब्राउनी के बीच में किसी की लाश पड़ी है, वो निकालेंगे अब बराबर। और लैला मजनू के अंडे इस बार हमने इधर नहीं रखे हैं, प्रॉपर हमने घर के अंदर, जैसे इस मुर्गी को निकाले हैं बच्चे
वैसे ही इस बार न गलती करके हमने घर के अंदर रखी है। चलो वो भी आपको दिखाएंगे। पहला मछली देखो, इनके अंडे दिखाने हैं अपने को अभी। इधर व्हाइट वाली मुर्गी बैठ रही है, ये देखो इस पे नहीं है, ये मुर्गी के बच्चे हैं और वो दो दिन पहले उसको बैठा है। वो है इधर, ये देखो इधर है हमारे लैला मजनू के अंडे। ब्लैक वाली मुर्गी बैठा ही है, ये उसके चार दिन पहले है, वो अभी कल ही बैठा ही है। तो पहले इसमें बच्चे निकलेंगे, फिर उस वाले उसमें वो वाइट वाली मुर्गी के निकलेंगे। अब देखते हैं किसके निकलते हैं। तो और हमारा लक्ष्मण देख सकते हो, लक्ष्मण को हम जल्दी कबूतर में छोड़ने वाले हैं। राम को घर के अंदर रहने देंगे और लक्ष्मण को हम कबूतर में छोड़ देंगे और उस बच्चे को। तो गाइस इसके अंडे इधर है और ये जोड़े के मादी बैठी हुई है। इधर है मुर्गी का अंडा, क्या पता इसमें बच्चा है या नहीं, रामा निकालेगा या नहीं। ये तो मादी बैठी नहीं रही अंडे पर, इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं बैठ रही। फिर किसी की तो है नहीं, इधर थे वो भी गंदे हो चुके हैं। मेरे को इसका एक हैंड फीडिंग के लिए बच्चा चाहिए था, पर क्या करें अब वो दोनों ही गंदे निकल गए अंडे। एक तो मैंने लाइव दिखाया आपको, गंदा हो चुका था अंडा। इसके लिए मादी ढूंढना है, मादी ढूंढो नहीं तो ये बेचना है। देख सकते हो नर की क्वालिटी, देखो हेवी क्वालिटी है। दूसरे का बच्चा सुखाई पर बैठा दिया है क्योंकि ये कबूतर जल्दी रमते नहीं, इसकी वजह से इनको रमाना है। और धब्बेल का और जागचिना का, धब्बेल और ये वाइट वाले मादी का आज से जोड़ा लगाना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं जोड़ा लगता है या नहीं, अब तो लगना चाहिए क्योंकि मादी मस्ती पे आ चुकी है। को खनी देख रहा है, खनी ये मिला, इसको लगाएंगे मादी। वो मादी पकड़ के लाता हूँ, तब तक ये नर बाहर निकलेगा मुझे ऐसा लगता है। ये मिल गई मादी, अब वो भी भाग जाएगा। इस मादी को देते ये खान, देखते धब्बेल तो आज खुला ही रहेगा। मादी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जाने दो, निकल रही थी निकलने दो। चलो सभी कबूतर अंदर डाल देते, इनको खुले रहने देते। मोटा कबूतर है शायद, मोटा कबूतर की मादी नीचे है। अरे बच्चा ऐसे ही इनके साथ खुला रहते रहते रम जाएगा। और एक बच्चा और खुला रहता है, वो बच्चा अंदर है शायद, उसको भी खुला रखेंगे। पेटी के सभी कबूतर डाल दिए, सिर्फ ये खन बचा हुआ है। ये देंगे हम धब्बेल और वो मादी को। अभी धब्बेल बाहर है और मादी भी उधर है, और ये पट्टा भी खुला रहेगा आज। कौन सा पट्टा रहेगा खुला? ये वाला मोटा कबूतर का जोड़ा, वो भी ऊपर है शायद। तो ये देखो ये जोड़ा ऊपर है, पट्टे को भी रमाना है ना, कहाँ पर बैठेगा वो? देखो वो बैठ गया उधर, अच्छी बात है, वैसे ही रम जाएंगे। चार चार कबूतर खुले रहेंगे तो। और ये जोड़ा तो अभी 5 मिनट में वापस आ जाएगा, 5 मिनट में वापस आने के बाद वो अंदर डाल देंगे हम। पेटी लगानी की है अभी, इसमें तो है नहीं कौन से जोड़े डालने के लिए, रात के समय भी डालेंगे हम जोड़ा लगाने के लिए, अभी तो कुछ डालेंगे नहीं। तो गाइस इधर देख सकते हो अनजाना कुत्ता आ चुका है, और डर भी लगता है कि वो अनजाना है। ये देखो, और हमारे कबूतर खुले हैं, पट्टा भी खुला है, वो तो सुखाई पे रखा है। देखते हैं कब तक नीचे आते हैं। तो ये भागा जोड़ा उड़ने को, अब ये उड़ के आएंगे। लैला मजनू भी आ गए और सभी कबूतर आ गए। धब्बेल कहाँ पर है? धब्बेल ऊपर है। अब धब्बेल को देख के देखना, सब ऊपर जाएंगे, मुझे गेट खोलने का मौका ही नहीं दे रहे। अब ये देखो ये दूसरा जागचिना भागा, चल 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 बेटे चल चल चल, जागचिना भाग गया। अब खोलते, दरवाजा खुला दिया, अब जाती है, जोड़ा जाता है या नहीं पट्टा देखते। चल 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 बेटे, चलो पट्टा भी चला गया, ये भी चला गया, ये दोनों तो खुले रहते, टेंशन है नहीं। पट्टा अभी भी अपना सुखाई पे है, 4-5 बजे तक रहेंगे वो वैसे ही। तो गाइस देख सकते हो साफ सफाई अभी तक चालू है, इसकी वजह से अभी कबूतर छोड़ नहीं पाएंगे। और दो कबूतर हमारे खुले हैं और तीसरा ऊपर है, तीसरे को भी नीचे लाते हैं और ये लॉफ्ट खोलते हैं। सिर्फ वो पेटी खोलेंगे नहीं, क्योंकि इधर के कबूतर हमको अंदर डालने हैं ना इसकी वजह से। तब तक ये बाहर आएंगे, ये आए बाहर, ये नीचे, वो पट्टा भी आने की कोशिश कर रहा है, उसको ऊपर से हम छोड़ देते हैं। गाइस ऊपर आ चुके हैं, नीचे मुंगे भी है, और ये बकरे देखो, बाप रे। अभी इसको हम छोड़ते हैं,
देखते हैं गेट से बाहर निकलता है या नहीं था। चल चल निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये देखो ये ऊपर आ रहे हैं। ये देखो इसको समझने को ना वो गेट है करके। ये देखो ये देख रहा है देख रहा है देख रहा है निकलने की कोशिश कर रहा है। उसको समझने को ना गेट में से बाहर निकलते करके डर भी रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये आया ये निकला बाहर डायरेक्ट नीचे कबूतरों में। कबूतर चले गए अंदर सिर्फ ये पट्टा रह चुका है। अब इसको पकड़ेंगे ये भी डाल देंगे अंदर। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपने देखा कि हमने सुबह से कबूतर छोड़े थे 4-5 कबूतर थे बाहर और अभी सभी अंदर डाल दिए हैं। और आपको आज मैंने गुड न्यूज़ भी बताया जितने जोड़े ने अंडे दिए। अभी मैं सो के उठाऊँ और इसकी वजह से अभी कबूतर छोड़ दिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।